it on the level. Keep it on the level. Hey, what's up guys, welcome back to a brand new video on the channel. और गाइस आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे अमेजिंग लो लाइट फोटोज को कैप्चर कर सकते हो अपने Realme 3 Pro से सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लीव अ लाइक सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। तो गाइस बिना टाइम पास के आते हैं सीधी बात पे। सबसे पहले आपको अपनी कैमरा ऐप को ओपन कर लेना होगा, उसके बाद जहाँ पे थ्री डॉट्स के ऑप्शन होते हैं उस पर आपको क्लिक कर देना होगा और फिर वहाँ से एक्सपर्ट मोड में आपको एंटर हो जाना होगा। फिर आपको यहाँ पे एक्सपोजर वाले ऑप्शन पे टैप कर देना होगा और अपने हिसाब से एक्सपोजर और शटर स्पीड को बेसिकली इंक्रीज़ कर देना होगा। और जितनी ज़्यादा आप शटर स्पीड को इंक्रीज़ करोगे उतनी ज़्यादा आपके जो एपर्चर जो आपका खुलेगा कैमरा का उसमें उतनी ज़्यादा लाइट आएगी, प्लस जितना आप ज़्यादा यहाँ पे जो एक्सपोजर को बढ़ा दोगे लाइक 3200 कर दोगे तो उतनी से ज़्यादा लाइट आपके कैमरा सेंसर के अंदर इवेल्यूएट हो पाएगी। और यहाँ पे मैंने अभी एक फ़ोटो कैप्चर करी आपके सामने और आपने प्रीव्यू में देखा होगा कैसी फ़ोटो आ रही थी, और बट अगर हम इसे लॉन्ग एक्सपोजर शॉट से खींचते हैं एक्सपर्ट मोड में जाके तो ये फ़ोटो जो पूरी ब्लैक स्क्रीन आ रही थी वो बिल्कुल अलग ही हो जाएगी, मतलब बिल्कुल ऐसे लगेगी जैसे आपने दिन में खींची हो। और बिल्कुल ये फ़ोटो मैंने अभी खींची है, तो अब मैं आपको एक नॉर्मल फ़ोटो खींच कर दिखाता हूँ जो कि आप नॉर्मल अगर बिना एक्सपर्ट मोड के खींचते हो तो कैसी आती है। तो यहाँ पे मैंने फोकस करा नॉर्मल फ़ोटो में, और अगर मैं इस फोटो को आपको दिखाता हूँ और कंपैरिजन दिखाता हूँ जो मैंने अभी इसके पहले एक फ़ोटो खींची थी एक्सपर्ट मोड में जाके, तो आप देख ही सकते हो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और अगर आप किसी को भी कहोगे कि भाई ये फ़ोटो मैंने रात में ली है तो बिल्कुल भी यकीन नहीं मानेगा और बिल्कुल आपके सामने है। और अगर मैं नाइटस्केप मोड से भी इसको कंपेयर करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर फ़ोटो कैप्चर कर लेता हूँ तो यहाँ पे हम जाते हैं अंदर प्रीव्यू में, तो आप देख सकते हो नाइटस्केप भी इसके सामने फेल हो चुका है। जो एक्सपर्ट मोड है वो इतना कमाल का होता है, वो ये प्रो मोड कह लो एक्सपर्ट मोड कह लो, कि इससे जो क्लियरिटी होती है फोटो की बिल्कुल आपकी नेक्स्ट लेवल पे पहुँच जाती है लो लाइट फोटोग्राफी। बट इसमें एक कैच है कि आपको ट्राईपॉड या फिर मतलब ऐसे पत्थर ईंट वगैरह चाहिए होंगी अपने फ़ोन को स्टेबल करने के लिए। अगर आपका फ़ोन थोड़ा सा भी हिलता है तो आपका मतलब फ़ोटो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो अगर आपको अच्छी फोटोज़ कैप्चर करनी है तो आप एक्सपर्ट मोड के थ्रू कर सकते हो। सो बस यार यही था आज के इस वीडियो में, वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं आपसे मिलता हूं एक एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड पीस आउट।